मंगलवार को सुबह अचानक खबर आती है कि बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। अब बिहार की राजनीति में देखिए अंदर खाने इतना कुछ आजकल चल रहा है कि खूब कयास भी लगने लगे। एक एक कर आरजेडी के सब बड़े नेता उनके दफ्तर में नजर आने लगे और फिर दिल्ली तक की पदयात्रा का ऐलान हो जाता है और उस ऐलान से आ गया एक बड़ा भूचाल। एनडीए और कैबिनेट से हटाए गए मुकेश सहनी के साथ भी सामाजिक समीकरण बदलने और आरजेडी का पलड़ा भारी करने का पूरा गणित, पूरा कैलकुलेशन। तेजस्वी यादव आखिर क्यों पदयात्रा करने की बात कर रहे हैं और वो भी कास्ट सेंसस यानी कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर। देखिए बिहार पिछड़े और सामाजिक न्याय की राजनीति का एक गढ़ या अग्रणी रहा है। चाहे 60 के दशक की बात करें, बाबू जगजीवन राम हो, भोला पासवान शास्त्री हो, कर्पूरी ठाकुर हो, दरोगा प्रसाद राय हो, पिछड़ी जाति के कई बड़े नेता हुए। फिर 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों के मसीहा के रूप में एक नई क्रांति की शुरुआत की और लगभग 20 साल तक टिके रहे लालू प्रसाद यादव, उनका डोमिनेशन रहा। अब नीतीश ने आकर इसको बदल दिया अपने महादलित और अति पिछड़े के कार्ड से। उन्होंने MY को तोड़ा और अब वो 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, कभी BJP तो कभी RJD के साथ। अब बिहार फिर करवट ले रहा है। BJP हिंदुत्व एजेंडा को लेकर काफी आक्रामक हो गई है और नीतीश से भी दरार अब साफ साफ दिख रहे हैं। हाल ही में 2 इफ्तार खूब चर्चा में रहे। चर्चा इस बात को लेकर भी होने लगी कि क्या नीतीश और तेजस्वी करीब तो नहीं आ रहे। तस्वीरों में दोनों की केमिस्ट्री भी नजर आई। अभी ये तो नहीं पता चल पाया है कि नीतीश क्या करेंगे, क्या वो BJP के साथ रहते हैं या RJD से हाथ फिर मिला लेंगे। लेकिन तेजस्वी ने अपनी चाल चल दी है। जाति जनगणना के मुद्दे पर दिल्ली तक की पदयात्रा के ऐलान के साथ, यही नहीं नीतीश कुमार को एक अल्टीमेटम भी दे दिया है। सुनिए, ऑफिशियल भी हम जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री से समय मांगेंगे और हम लोग देखिए कोई डीलर टैक्टिक्स इनके स्ट्रेटजी में फंसने वाले लोग नहीं है। हम इनके बहकावे में झांसे में हम लोग नहीं आएंगे। अगर समय नहीं मिलता है 48 घंटे और 72 घंटे के भीतर, तो हम जो है आगे की रूपरेखा जो है इसको लेकर के हम लोग तय करेंगे। हम सब लोग पार्टी के लोग हैं, यहाँ उपस्थित हैं और देखते हैं, इंतजार है कि मुख्यमंत्री जो है समय देते हैं कि नहीं देते। खास बात यह है कि जाति जनगणना के मुद्दे को नीतीश ने केंद्र के लेवल पर उठाया था और तब तेजस्वी को साथ लेकर आपको याद होगा वो प्रधानमंत्री से मिलने भी गए पूरी मांग लेकर, लेकिन बात नहीं बनी। BJP ने इसे तवज्जो नहीं दिया और अब तेजस्वी ने इसे फिर से गरम कर दिया है। अब नीतीश का रुख देखने लायक होगा। क्या वो बैकफुट पर जाएंगे या फ्रंट फुट पर खेलेंगे, या NDA में रहते हुए अंदर खाने कौन सी भूमिका निभाने वाले हैं। हाल ही में 2 बड़ी घटनाएं बिहार में हुई हैं। पहला PK की एंट्री और दूसरा लालू प्रसाद यादव की बेल। अब PK की एंट्री के फौरन बाद तेजस्वी दिल्ली पहुंचते हैं, लालू से मिलते हैं और उसी दिन उन्होंने उठा दिया कास्ट सेंसस का पूरा मुद्दा। शायद PK का कार्ड और नीतीश पर दबाव की राजनीति। अब तेजस्वी ने नीतीश से पहले ही कास्ट सेंसस का मुद्दा उछाला था, लेकिन बाद में नीतीश इसके सूत्रधार बन गए थे। तो अब तेजस्वी ने क्या किया है कि एक ही तीर से कई निशाने साधे। जो असल मुद्दे हैं बिहार में, बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन है, गरीबी है, आप देखिएगा चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, विशेष पैकेज हो, जातीय जनगणना है, इस पे कोई भी मौजूदा सत्ता में बैठे लोग चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, चर्चा कर रहे हैं मंदिर मस्जिद की,
चर्चा कर रहे हैं लाउडस्पीकर की, चर्चा कर रहे हैं बुलडोजर की, लेकिन जो वाकई में जिससे लोग तकलीफ में हैं, तनाव में हैं, उस पे कोई बात नहीं कर। सुना आपने, तेजस्वी ने बीजेपी को दबाव में लाकर हिंदुत्व का जवाब मांगा है कास्ट सेंसस के मुद्दे को उछालकर। दूसरा, नीतीश को दबाव में रखने या साथ लाने की बिसात भी बिछा दी है। और तीसरा, किसी भी सूरत में पीके की पदयात्रा से पहले पदयात्रा कर सामाजिक न्याय और पिछड़ों की राजनीति का झंडा बुलंद करने का प्लान है उनका, सबको हाशिए पर रखने की राजनीतिक छलांग लगाकर। अब ये दिलचस्प होगा बिहार में देखना कि कौन सी पार्टी और कौन सा नेता किस ओर झुकता है। नजर नीतीश के अलावा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर भी है। बीजेपी भी देखिए रहे समीकरण बिठाने के फिराक में नजर आती है। हिंदुत्व प्लस जो उनका यूपी वाला जातीय समीकरण था, मगर कास्ट सेंसस का मुद्दा बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। क्या बीजेपी से मान लेगी, और अगर नहीं तो किस कीमत पर और किस नए नैरेटिव से वो इसका एक कांट टूटेगी। अब इतना जरूर कहा जा सकता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश को लगभग उखाड़ फेंक चुके तेजस्वी यादव ने स्मार्ट गेम खेला, जिसे पूरे बिहार में ए टू जेड राजनीतिक और सामाजिक माहौल का गरमाना बिल्कुल तय है। जैसे हम हमेशा कहते हैं, यू नेवर नो नीतीश, यू नेवर नो बिहार, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी बताइएगा। आज के लिए थैंक यू।